और यहाँ पर खबर शामिल कर रहे हैं ईद उल फितर की चांद के हवाले से। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। ईद उल फितर का चांद इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ चुका है। तमाम तफसीलात से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। आपके इलाके में चांद के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है नाजरीन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को आप कौन से सिटी से वॉच कर रहे हो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तमाम नाजरीन को नाजिम एजुकेशन स्टूडियो यूट्यूब चैनल की जानिब से ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फितर का चांद नज़र आ चुका है। रमज़ान उल मुबारक का अख्तिताम हो चुका है। रमज़ान उल मुबारक बाकायदा तौर पर इस वक्त अख्तिताम पजीर हो चुका है। नाजरीन आपको बताते चले, पाकिस्तान में आज 29वां रोज़ा अख्तिताम पजीर हुआ और 29वें रोज़े की शाम को ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया। इस वक्त रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद बाद में जारी है, जबकि सूबाई जोनल कमेटीज़ का इजलास पेशावर, लाहौर, कराची और क्वेटा में जारी है। तारीखी मस्जिद पेशावर कासिम अली खान में मुफ्ती शहाबुद्दीन पपुल अजई साहब की क़ियादत में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जोनल कमेटी का इजलास जारी है। काफ़ी कसीर तादाद में वहाँ पर शहादत मौसूल हो चुकी है। नाजरीन आपको ये भी बताते चले, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के पास भी इस वक्त 2 दर्जन शहादत मौसूल हो चुकी है। 24 से लेकर 28 के दरमियान इस वक्त उनके पास भी शहादत मौसूल हो चुकी हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से शहादत मौसूल हो चुकी हैं। नाजरीन आपको बताते चले, इस वक्त मुल्क भर में चांद नज़र आ चुका है। बाकायदा सरकारी कमेटी को इस वक्त चांद की शहादत मौसूल हो चुकी हैं।